जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आज एक नई ट्रिक के साथ। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे समकोण वाले और 90 डिग्री वाले क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आते हैं घड़ी से, तो हमको उसके लिए किसी फॉर्मूले की नहीं जरूरत है बेटा, हम डायरेक्ट आंसर कैसे लाएंगे। तो देखो, जैसे बेटा यहाँ कह रही है कि 1 और 2 बजे के बीच की समकोण कब बनेगा, और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती, तो 90 डिग्री करने के लिए उसे 3 घंटे का अंतर लाना पड़ेगा। तो जैसे 1 बजा है बेटा, अब हमें समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 1 2 बार बनता, तो जो भी घंटे की सुई हो उस घंटे की सुई को लो और उससे 3 घंटे एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ और 3 घंटे एक बार क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो जब हम बेटा एंटी क्लॉकवाइज 3 घंटे घूमेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे बेटा, 10 पे। और जिस पे भी आए उसमें क्या करो, 5 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 50। और जो भी आए उसमें 12/11 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 600/11। और जो आंसर आएगा ये कितना आएगा बेटा, 54 सही 6/11 मिनट आंसर। और दूसरा समकोण बेटा 3 घंटे 1 से इधर आ जाओ, तो 1 2 3 यानी 3 घंटा कहाँ होगा बेटा, 4 पे। और जिस पे 4 पे भी आए तो 4 में भी क्या करो बेटा, 5 का गुणा करेंगे, तो 4 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 20। और इसमें भी हम 12/11 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 240/11। और 240 में 11 से भाग देंगे बेटा, तो ये आएगा 21 सही 9/11 मिनट आंसर बेटा, 5 सेकंड में आंसर आएगा। तो ये कौन सा आंसर सही है, 54 सही 6/11 और 21 सही 9/11 बेटा, पहला ही आंसर ठीक है बेटा, पहला ही आंसर ठीक है बेटा। ऐसे ही सभी क्वेश्चन आप ट्राई करो, सभी क्वेश्चन लिखेंगे। मिलते हैं एक और नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।